शांति। आज 17 अक्टूबर 2024 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो, इससे ही तुम सतोप्रधान बनेंगे। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों पर कौन सी मेहर करते हैं? उत्तर है, बाप बच्चों के कल्याण के लिए जो डायरेक्शन देते हैं, यह डायरेक्शन देना ही उनकी मेहर यानी कृपा है। बाप का पहला डायरेक्शन है, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं, उनके ख्यालात कभी उल्टे नहीं चल सकते। दूसरा प्रश्न है, बच्चों को आपस में कौन सा सेमिनार करना चाहिए? उत्तर है, जब भी चक्र लगाने जाते हो तो याद की रेस करो और फिर बैठकर आपस में सेमिनार करो कि किसने कितना समय बाप को याद किया। यहाँ याद के लिए एकांत भी बहुत अच्छा है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, तुम क्या कर रहे हो? रूहानी बच्चे कहेंगे, बाबा हम जो सतो प्रधान थे सो तमो प्रधान बने हैं। फिर बाबा आपकी श्रीमत अनुसार हमको सतो प्रधान जरूर बनना है। अभी बाबा आपने रास्ता बताया है, यह कोई नई बात नहीं, पुराने ते पुरानी बात है। सबसे पुरानी है याद की यात्रा, इसमें शो करने की बात नहीं। हर एक अपने अंदर से पूछे, हम कहाँ तक बाप को याद करते हैं, कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं, क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतो प्रधान तब बनेंगे जब पिछाड़ी में अंत आएगा, उसका भी साक्षात्कार होता रहेगा। कोई जो कुछ करता है सो अपने लिए ही करता है, बाप भी कोई मेहर नहीं करते हैं। बाबा मेहर करते हैं जो बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, उनके ही कल्याण अर्थ। बाप तो है ही कल्याणकारी। कई बच्चे उल्टे ज्ञान में आ जाते हैं, बाबा फील करते हैं। देह अभिमानी मकरूर होते हैं, देही अभिमानी बड़े शांत रहेंगे, उनको कभी उल्टे सुलटे ख्याल नहीं आते हैं। बाप तो हर प्रकार से पुरुषार्थ कराते रहते हैं। माया भी बड़ी जबरदस्त है, अच्छे अच्छे बच्चों पर भी वार कर लेती हैं, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। आज बहुत अच्छी रीति याद करते हैं, कल देह अहंकार में ऐसे आ जाते हैं जैसे सांडे यानी गिरगिट। सांडे को अहंकार बहुत होता है, इसमें कहावत भी है, सूर्यमंडल के साज से देह अभिमानी सांडे क्या जाने। देह अभिमान बहुत खोटा है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। शिव बाबा तो कहते हैं, आई एम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। ऐसे नहीं अपने को कहना सर्वेंट और नवाबी चलाते रहे। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों सतो प्रधान जरूर बनना है। यहाँ तो बहुत सहज है, इसमें कोई चूचा नहीं, मुख से कुछ बोलना नहीं है, कहा भी शो अंदर में याद करना है। ऐसे नहीं यहाँ बैठते हैं तो बाबा मदद करते हैं, बाप तो आए ही है मदद करने, बाप को तो यह ख्याल रहता है। बच्चे कहा कोई गफलत न करे, माया यहाँ ही घुसा मार देती है। देह अभिमान बहुत बहुत खराब है, देह अभिमान में आने से बिल्कुल ही पट में आकर पड़े हैं। बाबा कहते हैं, यहाँ आकर बैठते हो तो भी मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो। बाप कहते हैं, मैं ही पतित पावन हूँ, मेरे को याद करने से इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। बच्चों की अभी वह अवस्था आई नहीं है जो कोई को भी अच्छी रीति समझा सके। ज्ञान तलवार में भी योग का जौहर चाहिए, नहीं तो तलवार कोई काम की नहीं रहती। मूल बात है ही याद की यात्रा। बहुत बच्चे उल्टे सुलटे धंधे में लगे रहते हैं, याद की यात्रा और पढ़ाई करते नहीं, इसलिए इसमें टाइम नहीं मिलता। बाप कहते हैं, ऐसी मेहनत नहीं करो जो धंधे धोरी के पिछाड़ी अपना पद गवा दो। अपना भविष्य तो बनाना है ना, परंतु सतो प्रधान बनना है, इसमें ही बहुत मेहनत है। बहुत बड़े बड़े म्यूजियम आदि संभालने वाले हैं, परंतु याद की यात्रा में नहीं रहते। बाबा ने समझाया है, याद की यात्रा में गरीब बांधे लिया ज्यादा रहती है, घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करते रहते हैं। शिव बाबा हमारे यह बंधन खलास करो, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, यह भी गायन है। तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना है, सच्चे सच्चे स्टूडेंट बनो,
अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वह एकांत में बगीचे में जाकर पढ़ते हैं। तुमको भी बाप कहते हैं, भल कहा भी चक्र लगाने जाओ, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, याद की यात्रा का शौक रखो। उस धन कमाने की भेंट में यह अविनाशी धन तो बहुत बहुत ऊंचा है, वह विनाशी धन तो फिर भी खाक हो जाना है। बाबा जानते हैं बच्चे सर्विस पूरी नहीं करते, याद में मुश्किल रहते हैं, सच्ची सर्विस जो करनी चाहिए वह नहीं करते, बाकी स्थूल सर्विस में ध्यान चला जाता है। भल ड्रामा अनुसार होता है, परंतु बाप फिर भी पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। बाप कहते हैं कोई भी काम करो, कपड़े सिलते हो, बाप को याद करो, याद में ही माया विघ्न डालती है। बाबा ने समझाया है, रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। बाबा अपना भी बतलाते हैं, मैं रुस्तम हूँ, जानता हूँ मैं बेगर टू प्रिंस बनने वाला हूँ, तो भी माया सामना करती है। माया किसको भी छोड़ती नहीं है, पहलवानों से तो और ही लड़ती है। कई बच्चे अपने देह के अहंकार में बहुत रहते हैं, बाप कितना निरहंकारी रहते हैं, कहते हैं मैं भी तुम बच्चों को नमस्ते करने वाला सर्वेंट हूँ, वह तो अपने को बहुत ऊंच समझते हैं। यह देह अहंकार सब तोड़ना है, बहुतों में अहंकार का भूत बैठा हुआ है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो, यहाँ तो बहुत अच्छा चांस है, घूमने फिरने का भी अच्छा है, फुर्सत भी है, भल चक्र लगाओ, फिर एक दो से पूछो कितना समय याद में रहे, और कोई तरह बुद्धि तो नहीं गई, यह आपस में सेमिनार करना चाहिए। भल फीमेल अलग मेल अलग हो, फीमेल आगे हो मेल पिछाड़ी में हो, क्योंकि माताओं की संभाल करनी है, इसलिए माताओं को आगे रखना है। बहुत अच्छे एकांत हैं, सन्यासी भी एकांत में चले जाते हैं। सतो प्रधान सन्यासी जो थे वह बहुत निडर रहते थे, जानवर आदि कोई से डरते नहीं थे, उस नशे में रहते थे। अभी तमो प्रधान बन पड़े हैं, हर एक धर्म जो स्थापन होता है पहले सतो प्रधान होता है, फिर रजो तमो में आते हैं। सन्यासी जो सतो प्रधान थे वह ब्रह्म की मस्ती में मस्त रहते थे, उनमें बड़ी कशिश होती थी, जंगल में भोजन मिलता था। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होने से ताकत कम होती जाती है, तो बाबा राय देते हैं यहाँ बच्चों को अपनी उन्नति के चांस बहुत अच्छे हैं, यहाँ तुम आते ही हो कमाई करने के लिए, बाबा से सिर्फ मिलने से कमाई थोड़े ही होगी, बाप को याद करेंगे तो कमाई होगी, ऐसे मत समझो, बाबा आशीर्वाद करेंगे, कुछ भी नहीं, वह साधु लोग आदि आशीर्वाद करते हैं, लेकिन तुमको नीचे गिरना ही है। अब बाप कहते हैं जिन्न बनकर अपना बुद्धियों ऊपर लगाओ, जिन्न की कहानी है ना, बोला हमको काम दो। बाप भी कहते हैं तुमको डायरेक्शन देता हूँ, याद में रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा, तुम्हें सतो प्रधान जरूर बनना है, माया कितना भी माथा मारे हम तो श्रेष्ठ बाप को जरूर याद करेंगे। ऐसे अंदर में बाप की महिमा करते, बाप को याद करते रहो। कोई भी मनुष्य को याद न करो, भक्ति मार्ग की जो रस्म है वह ज्ञान मार्ग में हो नहीं सकती। बाप शिक्षा देते हैं याद की यात्रा में तीखा जाना है, मूल बात यह है सतो प्रधान बनना है। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं, घूमने फिरने जाते हो तो भी याद में रहो, तो घर भी याद रहेगा, राजय भी याद रहेगी, ऐसे नहीं याद में बैठे बैठे गिर पड़ना है, वह तो फिर हठयोग हो जाता है। यह तो सीधी बात है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। कई बच्चे बैठे बैठे गिर पड़ते हैं, इसलिए बाबा तो कहते हैं चलते फिरते खाते पीते याद में रहो, ऐसे नहीं बैठे बैठे बेहोश हो जाओ, इनसे कोई तुम्हारे पाप नहीं कटेंगे। यह भी माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं, यह भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, बाकी इनमें कुछ है नहीं, यह न ज्ञान है न योग है, साक्षात्कार की कोई दरकार नहीं। बहुतों को साक्षात्कार हुए, वह आज है नहीं, माया बड़ी प्रबल है, साक्षात्कार की कभी आज भी नहीं रखनी चाहिए, इसमें तो बाप को याद करना है सतो प्रधान बनने के लिए।
ड्रामा को भी जानते हो। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है जो रिपीट होता रहता है, इसे भी समझना है और बाप जो डायरेक्शन देते हैं उस पर भी चलना है। बच्चे जानते हैं हम फिर से आए हैं राजयोग सीखने, भारत की ही बात है, यही तमो प्रधान बना है, फिर इनको ही सतो प्रधान बनना है। बाप भी भारत में ही आकर सबके सदगति करते हैं, यह बड़ा वंडरफुल खेल है। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चे अपने को आत्मा समझो, तुमको 84 का चक्र लगाते पूरे 5000 वर्ष हुए हैं, अब फिर वापिस जाना है। यह बातें और कोई कह न सके। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय बुद्धि होते जाते हैं, यह बेहद की पाठशाला है। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, वह उस्ताद टीचर हैं, बहुत बड़ा उस्ताद हैं, बहुत प्रेम से समझाते हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे बड़ा आराम से 6 बजे तक सोए हुए रहते हैं, माया एकदम नाक से पकड़ लेते हैं, हुक्म चलाते रहते हैं। शुरू में तुम जब भट्टी में थे तो मम्मा बाबा भी सब सर्विस करते थे, जैसे कर्म हम करेंगे हमको देखकर और करेंगे। बाबा तो जानते हैं महारथी घोड़े सवार प्यादे नंबर वार हैं। कई बच्चे बड़ा आराम से रहते हैं, अंदर सोए रहते हैं, बाहर में कोई पूछे फलाना कहा है तो कहेंगे है नहीं, परंतु अंदर सोए पड़े हैं। क्या क्या होता रहता है बाबा समझाते हैं। संपूर्ण तो कोई भी बना नहीं है, कितनी डिसर्विस कर लेते हैं। नहीं तो बाप के लिए गायन है, मारो चाहे प्यार करो, हम तेरा दरवाजा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तो थोड़ी बात पर रूठ पड़ते हैं, योग की बहुत कमी है। बाबा कितना बच्चों को समझाते रहते हैं, परंतु कोई में ताकत नहीं जो लिखे। योग होगा तो लिखने में भी ताकत भरेगी। बाप कहते हैं यह अच्छी रीति सिद्ध करो, गीता का भगवान शिव है न कि श्री कृष्ण। बाप आकर तुम बच्चों को सब बातों का अर्थ समझाते हैं। बच्चों को यहाँ नशा चढ़ता है, फिर बाहर जाने से खत्म, टाइम वेस्ट बहुत करते हैं। हम कमाए कर यज्ञ को देवे, ऐसे ख्याल रख अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाप कहते हैं हम तो तुम बच्चों का कल्याण करने के लिए आए हैं, तुम फिर अपना नुकसान कर रहे हो। यज्ञ में तो जिन्होंने कल्प पहले मदद की है वह करते रहते हैं, करते रहेंगे, तुम क्यों माथा मारते हो, यह करे वह करे। ड्रामा में नोंद है जिन्होंने बीज बोया है वह अभी भी बोएंगे। यज्ञ का तुम चिंतन नहीं करो, अपना कल्याण करो, अपने को मदद करो। भगवान को तुम मदद करते हो क्या? भगवान से तो तुम लेते हो या देते हो, यह ख्याल भी नहीं आना चाहिए। बाबा तो कहते हैं लाडले बच्चों अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो, संगम पर ही तुम दोनों तरफ देख सकते हो, यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। सारा दिन संगम पर खड़े रहना चाहिए। बाबा हमको क्या से क्या बनाते हैं, बाप का पार्ट कितना वंडरफुल है। घूमो फिरो, याद की यात्रा में रहो। बहुत बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं, याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होना है। कल्प पहले भी बच्चों को ऐसे समझाया था, ड्रामा रिपीट होता रहता है, उठते बैठते सारा कल्प वृक्ष बुद्धि में याद रहे, यह है पढ़ाई। बाकी धंधा आदि तो भल करो, पढ़ाई के लिए टाइम निकालना चाहिए। स्वीट बाप और स्वर्ग को याद करो, जितना याद करेंगे तो अंत मति सो गति हो जाएगी। बस बाबा अब आपके पास आए कि आए, बाप की याद में फिर श्वास भी सुखेला हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञानियों के श्वास भी सुखाले यानी सुख वाले हो जाते हैं, ब्रह्म की ही याद में रहते हैं। परंतु ब्रह्म लोक में कोई जाता नहीं है, आपे ही शरीर छोड़ दे, यह हो सकता है। कई फास्ट यानी उपवास रख कर शरीर छोड़ देते हैं, वह दुखी होकर मरते हैं। बाप तो कहते हैं खाओ पियो, बाप को याद करो तो अंत मति सो गति हो जाएगी। मरना तो है ना, अच्छा मीठे मीठे सिखल थे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की सिखिलते रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, सदा याद रहे जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। ऐसा आराम पसंद नहीं बनना है जो डिससर्विस हो। बहुत बहुत निरअहंकारी रहना है। अपने को आपे ही मदद कर अपना कल्याण करना है। दूसरी पॉइंट है, धंधे दोरी में ऐसा बिजी नहीं होना है जो याद की यात्रा व पढ़ाई के लिए टाइम ही न मिले। देह अभिमान बहुत खोटा और खराब है, इसे छोड़ देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। आज का वरदान है कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले पर दर्शन मुक्त भव। कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले पर दर्शन मुक्त भव। विश्लेषण है, जितना संगठन बड़ा होता जाता है बातें भी उतनी बड़ी होंगी, लेकिन अपनी सेफ्टी तब है जब देखते हुए न देखे, सुनते हुए न सुने, अपने स्वचिंतन में रहे। स्वचिंतन करने वाली आत्मा पर दर्शन से मुक्त हो जाती है। अगर किसी कारण से सुनना पड़ता है, अपने आप को जिम्मेवार समझते हो, तो पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। देखा सुना जहां तक हो सका कल्याण किया और फुल स्टॉप। आज का स्लोगन है, अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। अच्छा, ओम शांति।